हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई स्ट्रेटजी जो कि हम इस्तेमाल करेंगे क्रूड ऑयल पे, राइट? कैसे यूज करते हैं इसको, कैसे हम पोजीशन लेते हैं, वो सारी चीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा है आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस की वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे, ये कह ले ये हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फेड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो कि इंट्राडे में मैंने बताया हुआ है। इसमें हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो चीज हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय गवाए और देखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। तो टाइम फ्रेम की पहले अगर बात की जाए तो टाइम फ्रेम होना चाहिए हमारा 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम होएगा। और इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लेके काम करेंगे। किस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम इसमें आज देखेंगे जिससे कि आपको एक्यूरेसी में और भी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलेगा एक्यूरेसी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको स्ट्रेटजी का एक एक पॉइंट जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी पॉइंट भी अगर छूट जाती है तो हो सकता है लॉसेस के चांसेस, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं और हम इसका यूज कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, तो मैं इसको थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं या कर्सर में थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और आपकी समझदारी हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और कर्सर थोड़ा गलत लग गया तो इस चीज को मैं थोड़ा ध्यान दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को, मतलब कैंडल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका यूज कैसे करेंगे देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ जिससे कि ओके। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रही है, किस टाइम का जो है कर्सर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 9:15 की ये जो कैंडल है, माफ कीजिएगा, 9 बजे की, 9 बजे की मॉर्निंग की जो कैंडल्स है, मैं आपको पता है कि मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ 3:25 और 9:15 की कैंडल को, ठीक है, इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, राइट? एक सेकेंड शायद ये, ओके। तो कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं तो चलिए दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है 9 बजे की कैंडल। सबसे पहले तो इसकी जो विक है, 9:15 की जो कैंडल का विक है, जो शेडो है, जो लाइन है, डंडी है, उसको हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, राइट? इसको मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे क्या, इसके जो एक हायर पोजीशन है। ठीक है, दूसरा एक तरीका ये भी है, तरीका नहीं मतलब एक और लाइन है जिसमें मार्क करना है, वो है आप इसको, इसके 9:15 की जो बॉडी है आप इसको भी लगे हाथ मार्क करेंगे। ये आपने एज अ सपोर्ट इसको ड्रॉ किया है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको एज अ सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है 9:15 की कैंडल। और आप देखिए 9:15 की कैंडल्स को आप देखो ध्यान से, तो पीछे देखिए फ्रेंड्स, इस लेवल को टच करने के बाद, ठीक है, मार्केट जो नीचे की तरफ, जो नीचे से टच किया है उसको नीचे की तरफ ढकेला है, मतलब रेजिस्टेंस का काम करा है ये कैंडल और ये लाइन, और जो अप जाके डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है उसको टच करके उसने ऊपर की ओर ढकेला है, एज अ सपोर्ट उसने काम किया है। तो अभी हम क्या करें, तो हमारा एक पोजीशन ये हो सकता है, मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैं एक और चीज मार्क कर रहा हूँ 9:15। ये कर्सर भले ही इधर है इस वाले में, लेकिन थोड़ा सा क्या है, मैं इधर करूँ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए, तो यहाँ पे मैंने 9:15 की कैंडल का जो बॉडी है अपसाइड, वो वीक भी होता तो भी मैं इसको मार्क कर लेता, राइट? मैंने तीन चीज, तीन लाइन करा हुआ है, राइट? हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए फ्रेंड्स वो होना चाहिए 11 बजे का कैंडल का, राइट?
राइट। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 11 बजे की कैंडल, एक सेकेंड, ये रहा 11 बजे का कैंडल, 11 बजे की कैंडल ये है, तो इसको हम थोड़ा सा और भी ऊपर लेके ये मार्क कर लेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन पे जहाँ पे कर्सर है मेरा, कि 11 बजे की कैंडल, 11 बजे का कैंडल जहाँ पे कर्सर है वही है, तो हमने उसके विक को एक पॉइंट से मार्क कर लिया। आप चाहो तो दो लाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लीजिए मैंने दो लाइन कर लिया, ठीक है। हमारी पोजीशन कहाँ बननी चाहिए वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारी पोजीशन फ्रेंड्स जो बनेगा वो डेफिनेटली जो बनना चाहिए, देखिए ये जो दो लाइन है, ठीक है, ये एज अ रेजिस्टेंस होगा और बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मैं इसको कोशिश करता हूँ, मैं पीछे भी एक सेकेंड, अगर थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर आया हो तो मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इस लाइन को उसने काफी इंपॉर्टेंस दिया है, देन ऊपर अगर मार्केट गया है, ठीक है, इसको टच करने के बाद देखिए 1, 2, 3, 4 लगभग 5 कैंडल्स इसके ऊपर बना साइड में, देन जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया वो नीचे की तरफ अपना कर लिया। पीछे भी जाके देखिए तो आप देख रहे हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जिस लाइंस को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, वो प्रॉपर एक लाइन है कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊं मैं, ठीक है। तो इतना की होप्स हो कि आप समझ गए होंगे, ये करंट मार्केट पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो फिर से समझ लीजिए आप। 9:15 की, 9:15 की, माफ कीजिएगा, मैं मेरे को बार बार इंटरव्यू दे ही याद आ रहा है, 9 बजे की जो कैंडल है इसकी मॉर्निंग टाइम का, वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल्स बनेगी, ठीक है, आप उसको मार्क करेंगे वीक को। अगर मैं पीछे भी दिखाता हूँ, दो तीन चीज पे आप कंफर्म हो जाएंगे कैसे इसको करना है। तो मैंने यहाँ पे विक को ले लिया, बॉडी ने जहां तक रिजेक्शन करके क्लोजिंग करा मैंने उसको ले लिया, और उसके एक हाई को ले लिया, और दूसरा एक अलाइनमेंट ड्रॉ किया, वो 11 बजे की कैंडल का है विक का, ठीक है, डाउन का कोई मतलब। अगर यही 9-11 बजे की कैंडल अगर नीचे की तरफ बना होता तो मैं वहां पे करता, राइट फ्रेंड्स। अब बात आती है कि हमें पोजिशन कहाँ लेनी चाहिए थी, भाई सही बात है ना, पोजिशन कहाँ लेनी चाहिए थी। तो केवल हम बस इतने करके नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक लगा लेंगे वी वैप, यहाँ पे मैंने वी लिख दिया, वैप खुद ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वी वैप आ गया, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से देखिएगा, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये लाइन हमने ड्रॉ की है, यहां से हमारा इधर है और हमारा यहां तक, तो भाई लाइन भी बन रहा है। हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स कि वी वेव और इस लाइन से ऊपर लाइन ओपन हो, कैंडल ओपन हो, और प्रीवियस जो कैंडल हो वो भी ग्रीन हो और ये भी ग्रीन हो, मतलब ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन हो, और प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करे कैसे करके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब ये ब्रेक किया, डेफिनेटली ये ऊपर तक गया है, पोजिशन यहाँ पे आप लेंगे ही, डेफिनेटली लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने 4019 से 4020 पे पोजीशन लिया, चूंकि आपको पता है इसमें एक एक रुपए काउंट होते हैं, 50 पैसे 25 पैसे तो होते भी नहीं है, तो अगर आप 4020 पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो मोटा मोटी आपका होएगा वो होगा इस वी वेब के, कोशिश कीजिए नीचे का, ओके, कम से कम 15 रुपए का तो स्टॉप लॉस तो होगा ही। अब ऐसा तो है नहीं 2 रुपए का, 5 रुपए का, 4000 का शेयर है तो अगर आप किसी ऐसे शेयर में भी लेते हैं तो क्या रखते हैं आप, है ना, 4000 के शेयर में तो 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से वीवेप के नीचे रखिए, ज्यादा बेहतरीन काम करेगा, राइट। और आपका स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ फ्रेंड्स, और आपको भी पता है कि इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर इस स्टॉक में, क्रूड ऑयल में, एमसीएक्स में 15 रुपए मिनिमम लोग लेना चाहते हैं, 10 से 15 रुपए मिनिमम तो हमें चाहिए ही, और उससे अधिक जितना मिलते जाए। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि 4019 पे मैंने मार्क किया, और देखिए कि मार्केट ने बिना कुछ तौल भाव करे कहां तक आपको यहां तक लाके दे दिया, ये देखिए। चलिए मान लेते हैं आपको पता नहीं है कि हमें यहां तक जाना है, 15 रुपए तो मिनिमम आपको भी पता है, तो 4020 और 10, 30, 35 आपका जो है वो है टारगेट, है ना, तो मोटा मोटी एक सेकेंड, ये फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप, इस लेवल के बीच में ही मार्केट घूम रहा है अभी, राइट, लेकिन आपको आपका टारगेट सेफ तरीके से देखे गया। अगर हम बात करें कुछ और, तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे भी देख लेते हैं। अब किसी भी चीज को जब आप सीखने की कोशिश कीजिए तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि पहले चीजों को अच्छे से समझा जाए, आफ्टर दैट फील जो है आपको जो करना है आप करें,
ठीक है, तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करना है, चीजें समझ गए होंगे आप क्या करना है। आप किसी भी हो, गैप अप में हो, गैप डाउन में हो, जो भी कहो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो यहां पे हमने इसके वीक को, ठीक है, और इसके डाउन ट्रेंड को, मतलब इसके कैंडल को, ओपनिंग जहां से हुई है मैंने मार्क कर लिया। ग्रीन कैंडल रिजेक्शन ऊपर से दी हुई है और क्लोजिंग जहां पे की है मैंने उसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। 11 बजे की जो कैंडल्स की बात की जाए तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूंगा, थोड़ा सा और ऊपर और हल्का सा, ये हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे टाइमिंग देखिएगा 11 बजे, तो 11 बजे के कैंडल ये हैं और इसे थोड़ा सा ही ऊपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक मार्क कर सकते हैं, ये मैंने मार्क कर लिया। फ्रेंड्स जब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो हमें सेल पोजिशन चाहिए और इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा विद वीवेब के ऊपर होनी चाहिए हमारी कैंडल, लाइन से टच में नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशन तो सबसे पहले, और तीसरी जो कंडीशन होगी फ्रेंड्स वो होगी कि हायर हाई पोजीशन बननी चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है जो तीन कंडीशन जो उन्होंने बताई कि वीवेक के ऊपर होनी चाहिए वो कैंडल, लाइन के टच में नहीं होना चाहिए वो कैंडल, मतलब लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, वहां से कैंडल नहीं बनना चाहिए, मतलब उसके थोड़ा ऊपर बने सही है, लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन के नीचे से स्टार्ट कर रहा है और प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर रहा था, आप वहां पोजीशन ले लो, नहीं नहीं अगर उसने रिजेक्शन दिया तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, राइट, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे हमारा एक पोजीशन बना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझाने के पर्पज से बस, ठीक है, और मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि किसी को अभी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत हो रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने हायर हाई पोजीशन ये भी है, राइट, हायर हाई पोजीशन तो ये भी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, सेफ्टी पर्पज के लिए मैं यहां से लूंगा, क्यों, क्योंकि लाइन से ऊपर है, समझ में आ रहा है, पहले इसने रेड बनाया है फिर ग्रीन बनाया है और देन फिर वो थोड़ा सा रिजेक्शन देके क्लोज हुआ है। वीवेब देखिए हमारे पहले रूल फॉलो क्या हो रहा है, इस कैंडल पे वीवेब के ऊपर है लेकिन दूसरा कैंडल, दूसरे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं फ्रेंड्स कि हायर हाई पोजीशन बना रहा है पर तीसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है जो कि हमारे लाइंस के ऊपर होना चाहिए। तो हमारी जो पोजीशन की बात की जाए फ्रेंड्स बाय की, तो 3994 का जो लेवल है वो हम कह सकते हैं, यहाँ 93-64 दिखा रहे हैं लेकिन 94 ही लेगा, यू नो वेरी वेल। तो 94 का लेवल है फ्रेंड्स, तो उसने हमारा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर 94 पे आपने लिया तो ऐसा तो है नहीं कि लोअर लो फंक्शन में 86 का लगा दोगे, सिंपल सी बात है ना, हम यहाँ तो लेंगे नहीं। अब आपने 94 पे लगाया, 86 पे लगाया तो होगा नहीं, कम से कम मैंने आपको बोला 10 से 15 रुपए का तो स्टॉप लॉस एक लगना ही पड़ेगा आपको। अब तो 4000 के शेयर पे काम कर रहे हो आप, है ना, 4000 के 3500 के शेयर पे काम करो, 2 रुपए की दोगे तो ऐसा नहीं होएगा। तो यहाँ पे आपने अगर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लिया तो 94 से आप मानो 84 और 84 से 80 कर लो मोटा मोटी 14 रुपए का, तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस आपका हो गया जो वीवेब के नीचे ही आया फ्रेंड्स, वीवेब के नीचे ही आया। तो 84-80 रुपए का मोटा मोटी हुआ, आप देखो 80 रुपए कहीं भी आपका टच नहीं हुआ फ्रेंड्स। और आपने अगर 94 पे लिया होगा तो डेफिनेटली आप देखिए एक हाई कहां तक बनाइए, 18 तक आपने लिया, 94 और 10 104 20 और लगभग, ठीक है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कहां तक ये आपको कहां से कहां पहुंचा, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं राइट, एक हाई जो बना के रखा आपको, कितना अच्छा मोमेंटम ये देखे गया। चलिए मैं मान लेता हूं यहां तक भी, तो भी आप देखिए 4059 तक का मोमेंटम देखे गया। क्या क्या रूल्स केवल फॉलो करना है फ्रेंड्स, इसमें रूल्स आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप इसमें एक अच्छा जो है प्रॉफिट कर पाओगे राइट। और आप देखिए जैसे ही इसने क्या किया, फिर मार्केट यहां से नीचे आ गया राइट, और देखिए दोस्तों नीचे आने के बाद मार्केट इसी लेवल पर क्लोज कर गया। तो एक बार जब जब ये वीवेब के नीचे आया राइट, ये तो एक तरीके से आप मोटा मोटी ये समझ लिए फ्रेंड्स कि 8:30 के पास ये मार्केट साइड में पकड़ लिया था, कोई उसमें ज्यादा हलचल नहीं था राइट। तो यहाँ पे क्या था कि आपने एक अच्छा खासा जो है एक बेनिफिट ले लिया, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे भी लिया तो सोचिए आपने लगभग 23 रुपए का मुनाफा कमाया, 24 रुपए का मोटा मोटी 24 रुपए का मुनाफा कमाया केवल इस पे 4:30 बजे का, ठीक है ना,
4:30 बजे तक आपने ₹24 का मुनाफा कमाया। और अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे इस लेवल पे, तो अगर आपने एग्जिट किया है तो फिर आप यहाँ पे जैसे पहले ये सेल पोजिशन बना, जैसे ही हायर बना आप यहाँ पे पोजिशन लगाओगे, राइट। तो ये तो बात की बात है ये किस पोजिशन में हम लगाएंगे, राइट। लेकिन आप जब ध्यान रखना वीवेब के ऊपर ही होवे तो बहुत ही अच्छा काम करता है, राइट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, कोई और भी दिखा देता हूँ, इसमें प्रीवियस डे में दिखाता हूँ साइड में मार्केट में क्या मोमेंटम होता है। तो आई थिंक दिस इज साइड में है, एक सेकंड मैं छोटा करके देख लेता हूँ साइड में मार्केट में क्या मोमेंटम अभी तक मैंने आपको ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, राइट। तो चलिए एक साइड में ये मार्केट है, आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एकदम साइड में मार्केट है। इसमें जिन्होंने कमाया होगा वो ₹100 तो बिल्कुल भी नहीं कमाएंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए कोशिश करते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले इसके नीचे वाले पर्पज इसको मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया, दूसरा एक मार्क किया मैंने इस लेवल को जो कि आपको पता है रिजेक्शन दिया है कैंडल ने, तीसरा एक मार्क किया मैंने इस लेवल को जो कि इसका, राइट। देखिए 11 बजे से पहले अगर इसकी हायर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसकी हायर पोजीशन ये रही, राइट। और अगर 11 बजे की कैंडल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये इसकी 11 बजे की कैंडल है, तो सबसे ज्यादा लो ये रहा, ठीक है। देखिए 4 लाइन हो गई, तो मैं क्या करता हूँ अभी इन 2 लाइनों को हटा देता हूँ मोटा मोटी तौर पे समझाने के तौर पे, इन बीच का आप छोड़ दो, राइट। ये बीच का साइड वे मार्केट है, देखिए इसके ऊपर हमें बाई करना है, ठीक है, इसके ऊपर हमें बाई करना है। तो आप 22 का सिग्नल अगर आप देखो मोटा मोटी तौर पे फ्रेंड्स, तो कहीं भी आपको हायर हाई रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, क्या वीवेब के ऊपर प्राइस है, राइट, वीवेब के ऊपर प्राइस है, लेवल के भी ऊपर कैंडल ओपन है, लेकिन हायर ही पोजीशन प्रॉपर वे में नहीं बनाया इसने। देखिए यहाँ पे अगर बनाया भी है फ्रेंड्स, तो आप देखिए यहाँ पे लाइन पे पहले इसने सेल बनाया है, लाइन पे टच किया देन ये ऊपर गया है, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना, मैंने आपको फिर से बोला लाइन के टच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइन के टच में नहीं होना चाहिए, 3 रूल्स तो फॉलो करना ही चाहिए, एक भी अगर फॉलो नहीं करेगा फ्रेंड्स तो हम वहां पे नहीं लेंगे, ठीक है। ओवरऑल पोजीशन क्या, अच्छा देखिए यहाँ पे लोअर लो बनाया लेकिन प्रॉपर बनाया, लेकिन मेरा क्या, मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जो है लाइन से ही स्टार्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं लिया। देखिए नहीं लिया तो मार्केट क्या किया, आपको ₹10 भी नहीं दिया है और मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया, कितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, है कि नहीं। और देखिए फ्रेंड्स से फिर से क्या हुआ, प्रॉपर भी अगर हाई पोजीशन की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रॉपर वे में हाई पोजीशन ये है हायर आई, और यहाँ पे एक आपको अगर बात की जाए तो 3903 से मोटा मोटी 3920 रुपए का एक टारगेट आपको यहाँ पे देखा गया है। तो ये था एक साइड में मार्केट का कमाल कि कैसे हम यहाँ पे भी पोजीशन लगा सकते हैं। ध्यान रखिए रूल्स को फॉलो कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर एक चीज को पहचानेंगे, किसी भी चीज को। देखिए मैं इस लेवल पे भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं अब थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ये एक लेवल है, राइट। दूसरी चीज 11 बजे की लेवल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 11 बजे का लेवल ये रहा, तो मैं इसको ही 11 बजे के लेवल पे लेके आऊंगा, ज्यादा कैंडल्स ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा फ्रेंड्स। हमें चाहिए हायर हाई पोजीशन, राइट, हायर हाई पोजीशन चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारा हायर हाई पोजीशन कुछ यहाँ पे हो जाएगा 3888 पे, राइट। स्टॉप लॉस हो जाएगा मोटा मोटी तौर पे अगर बात की जाए तो 15 से 20 रुपये, 88, 78 और एक हो जाएगा 68 का, राइट। तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी तौर पे 15 से 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस आ गया, और फिर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कहाँ तक ये आपका मोमेंटम देखे गया, ये देख लीजिए मोटा मोटी तौर पे। अगर आपने कहाँ पे आपने अगर लगाया 3888 पे, देख ली 3957 देन 3980, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और फिर देखिए फ्रेंड्स कहाँ पे आके बंद हुआ इस बीच के दायरे में। तो ये था एक फेल ब्रेकआउट, फेल ब्रेक फेड आउट जो है स्ट्रेटजी जो है, राइट। तो आप इस चीज को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मेल पे भी मेल करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है होप सो कि आपको अच्छा लगी हमारी ये स्ट्रेटजी और आप इस पर अच्छा खासा इनकम कमा पाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस पर स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं तो पहले आप जो है इस पे पेपर वर्क जरूर करें, जिससे कि आपको सहूलियत मिले। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। उस पर प्रैक्टिस करने के बाद जैसे बाइक अगर चलाते हैं पहली बार तो हैंडल हिलती है पहले, राइट, हैंडल हिल। लेकिन जब वो बाइक पुरानी हो जाती है, आप दो चार बार उस पर चला लेते हैं तो फिर आप स्मूथली जो है उसको ड्राइव कर पाते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो होप्स हो कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगे और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।